किरण, इतना रहो, मेरी बात सुनो। छोड़ो ये सब, जाकर कबाब फ्राई करो और चाय बनाओ, और दोनों को जाइए भला जल्दी से। कि उनके जाने के बाद मुझे मार्केट जाना है, या आप किन कामों में लगा रही हैं मुझे? वाह भाई, यहाँ बैग पैक हो रहे हैं, जाने की तैयारियां हो रही हैं, और इन मौसूफा को मार्केट जाना है किस खुशी में? वो मुझे अपने दुपट्टों पे ना लेसे लगवानी है, और रात वाला जोड़ा इतना सादा है। है तुम्हारी सुस्ती पर किरण, तुमसे अच्छी तो वो सितारा है, हाथों हाथ जोड़े सिलने भी दे आई वो। वो साड़ियों के जोड़े बनवा रही है। हाँ भाई, मैं तो उसको नए जोड़े नहीं बना के देने की, बनाए साड़ियों के जोड़े। अच्छा ही है, साड़ियों के जोड़े बनवा कर ना बिल्कुल कार्टून लगेगी वो। टन टन, ये देखो बन गए कपड़े, ये देखो प्यारे लग रहे हैं ना। ये चची जान के साड़ियों के हैं। देखो कैसे चमक रहा है, तो प्यारा लगेगा ना मुझ पे। वैसे सितारा, तुम्हें भी बड़ी बेचैनी है भाई, जैसे गरम गरम रोटियां चूल्हे से उतरती है ना, वैसे गरम गरम सूट सिल के आ रहे हैं तुम्हारे। अरे भाई, सेंध के रख लेती, किसी मुनासिब वक्त पे सिलवा लेती। आपने ही तो कहा था कि अम्मी की साड़ियों ये मैं ट्राई करूं? नहीं, ये खराब हो जाएगा ना। दुपट्टा ट्राई करने में क्या होगा, दुपट्टा तो ट्राई कर सकते हैं ना। कितना प्यारा दुपट्टा है, देखो। हाँ बहुत प्यारा दुपट्टा है, लेकिन तुम पे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। इधर दे दो मुझे वापस। मेरी बात सुनो, अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी फुप्पो आकर बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं तुम्हारा, और उन्हें तुम्हारा ये इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पप्पू आई हैं और मेरा इंतजार क्यों? कल जो कारनामा करके आई हुई हूँ। क्या वो शिकायत लगाने आ गई ताजान से? हाँ हाँ तो और क्या, अब हमारी तो बिना कुछ कहे ही हो जाती है। तुमने तो फिर भी पंगा लिया है। मेरी बात सुनो सितारा, तुम्हारी पप्पू को ना तो तुम्हें बातें सुनाने का हक है, और ना ही तुम्हारी शिकायतें लगाने का। समझ जाओ ये बात अच्छी तरह से, अगर तुम्हें एक सुनाए ना, तुम आगे से बढ़कर दो सुनाना उन्हें, समझी? जाओ ना। एक मिनट, मैं ये ले जाती हूँ, इससे पहले ये कोई इसको पहन के ट्राई करे और फिर खराब कर देगा। इसकी जुबान चलती है, तुम क्या खड़ी हुई हो? जाओ ना, जाकर कबाब ठुसाओ उनको, चाय बनाकर दो ताकि जाएं वो जल्दी। ठीक है, जा रही। बोलती रहेगी, मेरा दिमाग खा जाएगी। इसने ये क्या, उसने वो किया, आकर बैठ गई। ये नहीं कि बंदा कोई फोन कर ले, पता कर ले कि सामने वाला मसरूफ तो नहीं है। अब तैयारी करें कि इनकी खातिर मदारात करते फिरे हम। कितने काम पड़े थे मेरे, पता नहीं क्या क्या करना था, आकर बैठ गई। लाडला भाई, और वो भी मर हूं। कसम से भाई, अगर इस लड़की को मैं जरा सा कुछ कह दूं ना, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और अगर चौका आ भी जाए ना, तो यहां आग लगी और वहां सुल्तान भाई मेरे ख्वाब में आकर मुझे डांटते हैं कि मेरी बेटी को कुछ कहा क्यों तुमने। अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया जो सुल्तान भाई ख्वाब में लड़ने आ गए? अब भाईजान, ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है। शादी का घर है, 100 झंझट है। अब यकीन जाने हर वक्त तो मैं निम्मी को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। अब अपनी बच्ची समझ के जरा सा इसको कुछ कह दिया तो देखे ऐसे नाराज होगी। बस यही इतनी छोटी सी मेरी गलती है, और क्या। अरे भाई, डांट दिया तो डांट दिया, ये भी तुम्हारी अपनी है। अरे भाईजान, ये तो हम समझते ना कि हमारी बच्ची है, लेकिन ये तो हमें गैर ही समझती है। अगर इसका बाप जिंदा होता तो ऐसा मुंह बनाकर आ जाता जैसे ये बनाकर आई है। यकीन जानिए, कलेजा फट गया मेरा। क्या पता इसका बाप भी कब्र में तड़प रहा हो। नहीं पप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना तुम मेरी मोहब्बत और डांट को अलग अलग ना समझती। अच्छा ना, जाने दे, अब माफ कर दे प्लीज। अगर मेरे मरहूम भाई की औलाद ना होती ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। अच्छा, मतलब अब तो कर दिया ना माफ। अच्छा बस रहने ही दो, तो ये लो। ये क्या है? जोड़ा बनवाया है खास कर तुम्हारे लिए। अब शादी पर पहनने के लिए इसके पास कोई ढंग का जोड़ा तो होगा नहीं। नहीं पप्पो, मैंने अभी सूट बनवा लिए हैं। अच्छा, इससे महंगे होंगे क्या भला? महंगे तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की साड़ियों के बनवाए, मेरे लिए बहुत कीमती है। चलो, अब तुम्हारे पास एक और नया जोड़ा आ गया। अब बताओ, कब पहनोगी ये जोड़ा?
ये मेहंदी पे पहन लूंगी। क्यों, बारात में क्यों नहीं? बारात पे? अच्छा भाई चलो, तुम्हारे कपड़े जब भी दिल चाहे पहन लेना। बस अब तुम अपना सारा सामान पैक करो और घर पहुंचो। तुम निम्मी के साथ मिलकर अपनी भाभी की बरी तो देख लेना ना। ठीक है। और शाहिदा से कहना अब ले भी आए, चाय है कि पाए हैं। कहती हूँ। और बाकी सब ठीक है ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि पता नहीं चला? भाई तुमने ध्यान से ढूंढा भी है या? मैंने सोहेल की ड्यूटी लगाई थी, उसने हर जगह चेक कर लिया लेकिन कहीं कोई आता पता नहीं। कोई नई रिजर्वेशन, कोई फ्लाइट वगैरह ले ली होगी शायद उसने? ना इंटरनेशनल ना डोमेस्टिक, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो यार सर्च कर, किसी होटल में होगा, और कहाँ जाना है उसने? नहीं डैड, कोई रिजर्वेशन कहीं पे नहीं। लास्ट टाइम एटीएम सीव्यू पे यूज किया था और गाड़ी भी उसके समंदर किनारे ही मिली है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। ओहो, तुम्हारा बेटा कैश लेकर समंदर में मरने नहीं गया? आपको क्या पता, जवान खून है, कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा बेटा मुश्किल वक्त में सिर्फ पीठ दिखाकर भाग सकता और वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा अब मेरा बेटा हो गया। साहिबा मिर्जा को बुलाते वक्त ख्याल नहीं आया था किसका बेटा है? खुदाया, क्या नाम है यार उसका एक दोस्त जो है वो, what's his name? सलमान। हाँ हाँ सलमान, वही ना ग्रीवी सनसन। हाँ लेकिन उसके उसके तो भाई की शादी है। ओ यार किसकी शादी है किसकी नहीं है वहाँ पे ये मसला नहीं है, ये पता करो कि वो वहाँ पे है या नहीं है। उसे चेक करना बिल्कुल बेकार है, सालार कभी भी उस इलाके में जाके नहीं रह सकता। यार तुम कैसे कह सकते हो कि वो कहाँ रह सकता है कहाँ नहीं रह सकता? प्लीज गो अहेड, जाके फिर से देखो। आई वांट टू नो वेयर ही इज। अच्छा ठीक है, मैं सुहेल को भेजता हूँ, वो जाके चेक करता है। हाँ प्लीज। सितारा, सितारा जी ताया जी। लो बेटा ये क्या है? पैसे हैं, दूसरे शहर जा रहे हैं शादी में, क्या पता वहां से कुछ लेने का दिल कर जाए, पैसे तो पास होने चाहिए ना। जी लेकिन मैंने तो सब कुछ बना लिया है। वो तो ले जाने के लिए बनाया है ना। तो ले जाने के लिए तो बनाते हैं ताया। क्या पता वहां से कुछ लाने का दिल कर जाए। वैसे भी तुम्हारी फुप्पो को लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। लगने देना ताया, किसी के लगने से हम खुद को तो नहीं बदल सकते ना। वैसे कहती तो वो ठीक है, हमारी इतनी बड़ी दुकान है, सारी दुनिया को कपड़ा बेचते हैं, और हमें पता ही नहीं कि हमारी बच्ची के पास कपड़े नहीं है। अब अपनी बच्चियों को बेच नहीं सकते ना। वो ताया वो जुहेब के कपड़े पैक कर रही थी, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। क्यों जुहेब के कपड़े क्यों, उसने कहा है तुमसे? नहीं कहा तो नहीं है लेकिन जाएगा तो साथ ही ना हमारे। भाई अगर सब शादी पे चले जाएंगे तो पीछे दुकान कौन देखेगा? लेकिन ताया हम चार दिन के लिए दुकान बंद भी तो कर सकते हैं ना, और वैसे भी दुकान पे तीन तीन मुलाजिम है, कोई भी दुकान संभाल लेगा। अब जुहेब को अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। बात सुन, मुलाजिम एक लाख भी हो ना तो भी उनसे काम लेने के लिए एक मालिक का सर पर होना जरूरी है। ठीक कह रही है तुम्हारी ताई, मेरा या जुहेब का किसी एक का होना यहाँ जरूरी है। सोहेब को पता है कि वो नहीं जा रहा? अरे उसी ने तो कहा है, वैसे भी उसे शादियों में जाना कहाँ पसंद है। वो ऐसे कैसे कह सकता है? वैसे ही जैसे तुमने अपनी फुप्पो से नाराज होकर ना जाने का फैसला किया था, वैसे वो भी अपना फैसला कर सकता है।